उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन हुआ है। नौसेना का पर्वतारोही दल इसकी चपेट में आ गया। जानकारी के मुताबिक नेवी का 20 सदस्यीय दल माउंट त्रिशूल पर चढ़ाई कर रहा था। शुक्रवार सुबह करीब 5:30 बजे दल के 5 मेंबर और उनके साथ चल रहा एक पोर्टर बर्फीले तूफान की चपेट में आ गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 और अमृत 2.0 प्रोग्राम की शुरुआत की। पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप स्वच्छ भारत मिशन और अटल मिशन को सभी शहरों को कचरा मुक्त करने और जल संरक्षण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयार किया गया है। हरियाणा के झज्जर में पुलिस ने धरने पर बैठे किसानों पर वाटर कैनन चलाई। यहां की सरकार पोस्ट ग्रेजुएट नेहरू कॉलेज में राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का कार्यक्रम होने वाला था। किसानों ने कॉलेज में घुसने का प्रयास किया तो पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए वाटर कैनन चलाई। ऑस्ट्रेलिया के थेराप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन ने चीन में बनी सिनोवैक और भारत में बनी कोविशील्ड को अप्रूवल दे दिया है। इन दोनों वैक्सीन में से किसी के भी 2 डोज लगवाने वाले लोगों को ऑस्ट्रेलिया में एंट्री मिल सकेगी। जापान में तूफान मॉन्ड्यूल आने वाला है, जिसके चलते टोक्यो के हानेदा एयरपोर्ट ने 357 फ्लाइट रद्द कर दी हैं। शुक्रवार सुबह से हानेदा एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली 264 फ्लाइट्स और हानेदा उतरने वाली 93 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में उधमपुर और बारामूला के बीच बन रही रेल लिंक टनल का एक हिस्सा गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। 35 वर्षीय मजदूर असम से था। पुलिस ने बताया कि मजदूर के मृत शरीर को पोस्टमार्टम के बाद उसके इलाकों के लोगों को सौंप दिया गया। जम्मू कश्मीर के शोपिया में शुक्रवार सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने शोपिया जिले के रखामा गांव में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान आतंकियों ने सैनिकों पर गोली चलाई। इसके बाद सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हो गया। अभी तक एक आतंकी को मारा गया है। सर्च ऑपरेशन जारी है। एयर इंडिया को खरीदने के लिए टाटा ग्रुप की बोली मंजूर होने की खबर को सरकार ने खारिज कर दिया है। सरकार ने कहा है कि इस बारे में मीडिया रिपोर्ट्स गलत है, अभी कुछ तय नहीं किया गया है। जब भी इस बारे में कुछ फैसला होगा उसकी जानकारी मीडिया को दे दी जाएगी। गुजरात में चक्रवात गुलाब के बाद अब शाहीन तूफान का खतरा मंडरा रहा है। चक्रवात शाहीन के शुक्रवार शनिवार को उत्तर पूर्वी अरब सागर के ऊपर बनने की संभावना है। विभाग ने दक्षिण गुजरात के कई हिस्सों और सौराष्ट्र क्षेत्र में बुधवार को भारी बारिश होने और अगले दिनों में राज्य में व्यापक स्तर पर बौछारें पड़ने का पूर्वानुमान किया है। और अब डाल लेते हैं शेयर मार्केट की खबरों पर नजर। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच हफ्ते के आखिरी दिन यानी शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार भी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 360 पॉइंट गिरकर 58,765 पर और निफ्टी 86 पॉइंट गिरकर 17,532 पर बंद हुआ। पूरे हफ्ते की बात करें तो इस पूरे हफ्ते में सेंसेक्स 1,282 पॉइंट और निफ्टी 321 पॉइंट टूट गया। इससे पहले सेंसेक्स 58,889 पर और निफ्टी 17,531 पर खुला था।